कि क्रिप्टो के बारे में जितने भ्रम थे वो सारे भ्रम आपने दूर करने का काम किया है, और आपने 30% इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो एसेट्स एट 30% प्लस सेशन सरचार्ज। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। माइनिंग नॉट पार्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट, 1% TDS इज फॉर ट्रैकिंग द ट्रांजेक्शन। और उसी प्रकार सती महोदय, क्रिप्टो NFT के बारे में भी माननीय निर्मला जी ने घोषणा की थी कि जो क्रिप्टो NFT के बारे में जो एडवर्टीजमेंट्स है उसको भी रिस्क डिस्क्लेमर जो है उनको देना पड़ेगा। लेकिन सती महोदय, मैं निर्मला जी से आग्रह करना चाहूँगा, ये क्रिप्टो आखिर है क्या? इट इज नाइदर अ कमोडिटी, इट इज नाइदर एन एसेट, इट इज नॉट अ गुड, इट इज नॉट अ सर्विस। तो यह है क्या? इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसके पीछे कोई किसी कंपनी की ताकत नहीं है। और सती महोदय, मैं तो निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि आपने जो 30% टैक्स लगाया है, आप विचार कीजिए आगे आने वाले दिनों में क्या इस टैक्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है क्या। सती महोदय, ये क्रिप्टो ये गैम्बलिंग है, जुआ है, एक प्रकार की लॉटरी है, एक प्रकार का हॉर्स रेसिंग है, एक प्रकार की गैम्बलिंग है। आप शेयर में लगाते पैसा तो मालूम है कि टाटा कंपनी उसके पीछे है, लेकिन क्रिप्टो के पीछे कौन है? सती महोदय, इसलिए जापान ने 55% टैक्स लगाया है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ने अप टू 45%, US ने 37%। इसे मैं निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि फिर विचार कीजिए कि हम आगे आने वाले दिनों में क्रिप्टो पर 30% से भी ज्यादा हम टैक्स लगाने का विचार कर सकते हैं क्या। और सती महोदय, जो क्रिप्टो में कमाने वाले लोग उनको 30% से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो का जो CAGR है, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट है, बिटकॉइन का 115%, एथेरियम का 30%, बिनांस कॉइन का 151%। सो इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टिंग बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। महोदय, अंकलेश्वर स्वामी अय्यर ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि क्रिप्टो करेंसी इज नो अंडरलाइंग वैल्यू, नॉट इवन ए ट्यूलिप ऑफ 17। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो देखो फ्रेंड्स, आप लोगों ने लाइव देख लिया, वो आज के दिन बातचीत हुई थी कि लोग ये बता रहे क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कुछ नहीं है, और ये बता रहे कि क्रिप्टो के पीछे कौन है, ये बता रहे कि 30% तो अभी भी कम टैक्स है, ये टैक्स को आने वाले टाइम में और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दूसरे कंट्री के बारे में उसने बताया। अब देखो भाई, उतना सारा टैक्स दूसरी कंट्री में लगता तो हमें क्यों पता नहीं है? तो ये बता रहे आप लोग, देखो बाइनेंस, बिटकॉइन, इतना सारे पंप होते हैं, सब कुछ बताया, समझ रहे हो आप? तो अभी आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, टैक्स लगेगा, प्रॉफिट करेंगे तो पे करेंगे, बाकी हम होल्ड। तो भी देखो फ्रेंड्स, मार्केट भी एक बुलिश मोड में जा रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको मैं कह रहा हूँ, अभी से एक मौका तो मिलेगा वज्रेक्स में आपको बाय करने के लिए, सस्ती रेट में क्रिप्टो करेंसी मिलेगी इंडियन एक्सचेंजों में। बाकी अभी मार्केट बुलिश है, 45,000 वाला एरिया तोड़ चुका है, बट अब ये टैक्स के बारे में बातचीत करें, यहाँ पर छोटे लोग यहाँ से कमा के भी अपना हाउस चलाते हैं, और देखा जाए छोटे लोग अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, स्टूडेंट है छोटे लोग, मतलब यहाँ पर 18 से लेके 26 साल के बीच में जो लोग हैं उसने ही, जो मिडिल क्लास फैमिली है उसने ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और आपने लाइव सुन लिया, ऐसी उसने बातचीत की कि ये गैम्बलिंग है, ये जुआ है, 30% टैक्स अभी भी बढ़ाया जा सकता है, कम करने की तो कम ही बात हुई, रिड्यूस की तो बात ही नहीं की, बढ़ाने की बातचीत की। आपका क्या व्यू पॉइंट है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो भी नई अपडेट आती है सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी, और यहाँ पर आवाज़ भी उठाना चाहिए। गुड बाय।